आज का हमारा नया टॉपिक है स्कोप एंड रेमिफ़िकेशन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स ये आज का लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू एल्फ एजुकेशन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बात आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बिकॉज स्कोप में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और मैं चाहता हूं कि मैं वो चीज़ें आपको समझाऊं ताकि आपकी बेसिक्स जो हों सोशल लिंग्विस्टिक्स के हवाले से वो अच्छी बने तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन के स्कोप एंड रेमिफिकेशन का असल में मतलब क्या है सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ द इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड यानी ये वो स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी और लैंग्वेज यानी लैंग्वेज एंड सोसाइटी एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी एंड हाउ पीपल यूज़ लैंग्वेज इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन ये बात मैं पहले लेक्चर भी सम पहले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में एक कनेक्शन है और उस कनेक्शन की स्टडी को हम कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स इसके साथ साथ डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में लोग लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ की स्टडी को भी हम सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं द स्कोप ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ ब्रॉड यानी इसकी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है वाइड है इनकम्पासिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी यानी इसमें मुख्तलिफ कंसेप्टो लैंग्वेज के हवाले से हैं जो सोसाइटी के हवाले से हैं वो इनकलूड होते हैं एंड इट्स रेमिफिकेशन आर सिग्नीफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड सोशल बिहेवियर और इसके जो रेमिफिकेशन हैं वो भी जरूरी है किस चीज़ के लिए कि हम ह्यूमन के कम्यूनिकेशन और सोशल बिहेवियर को समझें स्कोप टेल्स दस अबाउट द एरियाज़ विच कम अंडर द स्टडी ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स यानी स्कोप ऑफ़ सोशलो लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं वो कौन कौन सी फील्ड हैं जो कि हम सोशो लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं द टर्म रेमिफिकेश refers to the various consequences, implications and the outcomes of language variation and use in a society. Scope की तो हमने बात की कि वो areas जो कि social linguistics के study के under आते हैं उन्हें हम social linguistics की scope कहते हैं इसी तरह ramifications का मतलब क्या कि language के use और language के variations के जो असरात हैं जो उसकी consequences हैं जो उसके outcomes हैं इस चीज़ को हम कहते हैं ramifications of social linguistics. अब सोशल लिंग्विस्टिक्स की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज वेरिएशन लैंग्वेज चेंज लैंग्वेज एटीट्यूड्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी इन प्राइमरीली सोशल लिंग्विस्टिक्स फोकस करती है कि वह लैंग्वेज वेरिएशन को समझे, लैंग्वेज चेंज को लैंग्वेज एटीट्यूड्स को और साथ ही साथ में लैंग्वेज पॉलिसी को अब हम देखते हैं स्कोप एंड रेमिफिकेशन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स ये कुछ हेडिंग्स मैंने कुछ आउटलाइन दी हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं द फर्स्ट थिंग इज वेरिएशन इन लैंग्वेज या फिर उसको हम लैंग्वेज वेरिएशन कहते हैं द सेकेंड इज सोशल फैक्टर्स इन लैंग्वेज देन मल्टी लिंग्वेलिज्म एंड लैंग्वेज कॉन्टैक्ट लैंग्वेज चेंज लैंग्वेज एटीट्यूड एंड प्रेजुडिस कोड स्विचिंग एंड बायो लिंग्वेलिज्म लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी सोसाइटल इम्प्लीकेशन लैंग्वेज एंड पावर एंड देन लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी ये आज के हमारे इस लेक्चर के मेन पॉइंट्स होंगे जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुने ताकि इस एक ही लेक्चर से आपका ये जो स्कोप एंड रेफिफिकेशन का कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए ध्यान से सुने और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते रहिए साथ सबसे पहला है वेरिएशन इन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज वेरिएशन क्या है सोशल लिंग्विस्टिक्स इन्वेस्टिगेट द वेरिएशन इन लैंग्वेज यूज इंकलूडिंग रीजनल डायलैक्ट्स एक्सेंट्स एंड सोशल डायलैक्ट्स अब स्टूडेंट्स लैंग्वेज जो है ये चेंज होती रहती है अब लैंग्वेज में जो वेरिएशन आती हैं इस इन वेरिएशंस को हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं इन रीजनल डायलैक्ट्स आ जाती हैं एक्सेंट्स आ जाती हैं सोशल डायलैक्ट्स ये डायलैक्ट्स एक्सेंट्स ये जो कन्सेप्ट इस पर हम बाद में डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं बट अभी आप ये समझें कि सोशल लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज में वेरिएशन आती हैं लैंग्वेज के यूज़ में उन चीज़ों पर भी हम फोकस करते हैं वाइल स्टडिंग सोशल लिंग्विस्टिक्स सोशल लिंग्विस्टिक्स एग्जाम हाउ लैंग्वेज वेरीज अक्रॉस डिफरेंट रीजनस कम्यूनिटीज़ एंड सोशल ग्रुप्स यानी सोशल लिंग्विस्टिक क्या करती है वो फोकस करती है कि लैंग्वेज किस तरह बदलती है रीजन्स के साथ मतलब डिफरेंट रीजनस में डिफरेंट कम्यूनिटीज़ में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में लैंग्वेज कैसे चेंज होती है कैसे वेरी होती है इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं This variation can manifest in terms of pronunciation, vocabulary, syntax, and even the use of slang or colloquialism. अच्छा ये जो change है ये जो variation है ये किन किस तरह की variation हो सकती है language में pronunciation में change आ सकती है vocabulary में change आ सकती है मतलब एक social group एक word को एक तरह से pronounce कर रही है तो दूसरा social group उसको different way में pronounce कर रहे हैं इसी तरह vocabulary का मतलब एक सोशल ग्रुप एक चीज़ को एक तरह का नाम दे रहे हैं और सेम ही चीज़ को जो भी ऑब्जेक्ट हो एक दूसरा सोशल ग्रुप उसको डिफरेंट नेम दे रहे हैं सिंटेक्स स्ट्रक्चर आ जाता है स्लैंग और क्लोकअलिज़म आ जाता है इसमें अब फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश द प्रोनसीशन ऑफ वर्ड्स लाइक वाटर कैन इन वेरी बिटवीन रीजन्स यानी ये जो वर्ड है वाटर का इसकी प्रोनान्सीशन डिफरेंट रीजनस में डिफरेंट है सच एज वाटर इन अमेरिकन डायलैक्ट्स यानी अमेरिकन डायलैक्ट में इसको कहते हैं वोट एंड वाटर इन ब्रिटिश एक्सेंस यानी अमेरिकन को क्या कहते हैं वाटर एंड ब्रिटिश को क्या कहते हैं वॉटर ऑल्सो गैसोलिन वर्सिज पेट्रोल लिफ्ट वर्सिज एलिटर एक्सेट्रा यानी कुछ लोग पेट्रोल uh, कहते हैं कुछ गैसोलिन कहते हैं कुछ लोग कहते हैं एलिवेटर कुछ लोग कहते हैं लिफ्ट तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं लैंग्वेज वेरिएशन की कि लैंग्वेज चेंज कैसे होती है सोशल लैंग्विस्ट सीक टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दट कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस वेरिएशन सोशल लिंग्विस्ट क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो इन फैक्टर्स को समझे जो कि इन वेरिएशन के बिहाइंड है मतलब कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो कि वजह बनती है इन वेरिएशन की सोशल लिंग्विस्ट उस पर फोकस करते हैं विच में इंक्लूड अब उन सोशल फैक्टर्स में क्या चीज आ सकते हैं हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, जियोग्राफिकल आइसोलेशन सोशल फैक्टर में जैसे क्लास एथनीसिटी और जितने भी सोशल फैक्टर्स हैं जो कि लैंग्वेज को अफेक्ट करती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं वो मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि यह कुछ फैक्टर्स हैं जो सोशल मतलब सोशली एक लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा सोशल फैक्टर्स एंड लैंग्वेज इट एक्सप्लोर्स हाउ सोशल फैक्टर्स सच इस एथनीसिटी क्लास जेंडर एंड एज इन्फ्लुएंस लैंग्वेज यूज़ अब स्टूडेंट्स लैंग्वेज वेरिएशन में तो हम ये देखते हैं कि लैंग्वेज में चेंज क्या आया सोशल फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज चेंज होती है जैसे कि एथनीसिटी है क्लास है जेंडर है एज है ये चीज़ें हैं जो कि लैंग्वेज को इन्फ्लुंस करती है और हम सोशल लंग्विस्टिक्स में ये चीज़ भी पढ़ते हैं कि किस तरह ये फैक्टर्स जो हैं लैंग्वेज को अफेक्ट करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल लिंग्विस्ट स्टडी हाउ लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट सोशल हायरिटीज़ एंड इनिटीज़ यानी सोशल लिंग्विस्टिक्स में हम क्या देखते हैं कि जो आ, हमारी लैंग्वेज है किस तरह वो डिफरेंट सोशल हायरिटीज़ और इनिक्वालिटीज़ को बताती हैं मतलब हमारी सोसाइटी में अगर एक बंदा एक लैंग्वेज बोल रहा है और वो आम देहाती लैंग्वेज बोल रहा है तो हमें उनकी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इसकी सोशल क्लास कौन सी है तो लैंग्वेज हमें बताती है सोशल हायरिकीज़ और इनवलिटीज़ लोगों के बीच में लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अ अन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट आल्सो अ मार्कर ऑफ सोशल आइडेंटिटी ये बात मैंने अभी समझाई कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होती बल्कि वो एक सोशल आइडेंटिटी के लिए एक मार्क के तौर पर यूज़ होती है यानी एक बंदा जो लैंग्वेज बोल रहा है वो उसकी सोशल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशल लैंग्वेज इन्वेस्टिगेट हाउ सोशल फैक्टर शेप लैंग्वेज यूज़ ये बात मैंने अभी बताई कि सोशल लैंग्विस्ट क्या करते हैं कि वो इन फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं कि वो किस तरह हमारी लैंग्वेज को शेप करती है फॉर इंस्टेंस सर्टन वोकेबरी और स्पीच पैटर्न में भी एसोसिएटेड पर्टिकुलर सोशल क्लास और इसी तरह कुछ सर्टन पैटर्न है स्पीच पैटर्न हैं जो कि किसी सर्टन क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं दे ऑल्सो एक्जाम हाउ लैंग्वेज कैन बी टूल फॉर सोशल डिफ्रेंसीशन और इवन डिस्क्रिमिनेशन। अभी एक लैंगवेज जो है ये एक टूल है कि ये सोशल डिस्क्रमिनेशन और डिफ्रेंसीन के लिए यूज़ होता है मतलब एक इंसान की लैंग्वेज देख के हम उसकी सोशल क्लास का पता लगा सकते हैं ये बात मैंने अभी आपको बताई और उस लैंग्वेज को हम एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं कि हम डिमार्केशन करें सोशल क्लासेस के बीच में सच इज़ इंस्टेंसेस वेयर इंडिविजुअल में भी जज बेस्ड ऑन देयर एक्सेंट और डायलैक्ट अब काफ़ी जगहों पे जब आप एक बंदे को सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये इसकी एक्सेंट से पता चल जाता है कि वो आ, इस इसकी मतलब आइडेंटिटी क्या है आ, इसकी एक एग्जांपल जो अभी मेरे माइंड में आ रही है कि इवन लाहौर के जो लोग होते हैं उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो आर को रे करके बोलते हैं लाइक देर सिंह के क्या कर रहे हो सो so, जब एक बंदा उनको सुनता है सो so ऑलरेडी उनके माइंड में एक बात आ जाती है कि दैट पर्सन बिलोंग्स फ्रॉम लाहौर और जो उनका एक्सेंट होता है जो उनका डायलेक्ट है वो उनकी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी uh, को एक तरह से शो करती है अब देन मल्टी एंड लैंग्वेज कॉन्टैक्ट मल्टी एंड लैंग्वेज कॉन्टेक्ट क्या है सोशल लिंग्विस्ट एग्जामिन द डायनिक्स ऑफ मल्टी एंड लैंग्वेज कॉन्टैक्ट अब सोशल लिंग्विस्टिक क्या करते हैं कि जो मल्टी और लैंग्वेज कॉन्टेक्स को जो डायनामिक्स uh, है इनको एग्जामिन करते हैं अब मल्टी क्या है इट इज़ द यूज़ ऑफ़ मोर देन वन लैंग्वेज आइदर बाई अ इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप ऑफ स्पीकर मल्टी कहते हैं जब एक बंदा या फिर कुछ ग्रुप ऑफ़ पीपल एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज़ को जब कोई बंदा यूज़ करता है तो उसे हम काउंट करते हैं मल्टी लैंग्वेलिजम में यानी वो लैंग्वेज को बोल भी सकता हो और साथ ही साथ में समझ भी सकता हो मल्टी लैंग्वेज़म इज़ द यूज़ ऑफ़ मोर देन वन लैंग्वेज आइदर बाई अ इंडिविजुअल स्पीकर और बाई अ ग्रुप ऑफ स्पीकर अगर कोई भी इंसान या फिर ग्रुप ऑफ़ पीपल एक से ज़्यादा लैंग्वेज़ को जानता है बोल सकता है और समझ सकता है तो वो कंसेप्ट होता है मल्टी का स्टडिंग हाउ डिफरेंट लैंग्वेज इंटरेक्ट विद विद इन अ कम्यूनिटी एंड हाउ इंडिविजुअल लैंग्वेजेट बिटवीन देम अब इसी तरह के uh, हम सोशल लंग्विस्टिक्स में क्या देखते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज़ कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं यानी एक कम्यूनिटी में अब आप देखेंगे कि हमारी कोई भी सोसाइटी आप उठा के देख ले तो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं तो वो सोसाइटी जहाँ ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं तो उन लोगों के बीच का इंटरेक्शन कैसे होता है कैसे एक इंडिविजुअल उस सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करता है हैंडल करता है कि जब वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पे दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जा रही हैं तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं सोशल लंग्विस्टिक्स में इन रिजन और कम्यूनिटीज़ वेयर द मल्टीपल लैंग्वेज आउ स्पोकन सोशल लैंग्वेज हाउ स्टडी हाउ दीज लैंग्वेज इंटरेक्ट अब ऐसी कम्यूनिटीज़ ऐसे रिजन जहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज़ बोली जाती हैं तो वहाँ पर सोशल लैंग्वेज क्या करती है वीज़ को स्टडी करते हैं कि वो जो ज़्यादा लैंग्वेज़ बोली जा रही हैं वो लैंग्वेज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं दे एक्सप्लोर फिनमिना लाइक लैंग्वेज बोरोइंगचिंग एंड लैंग्वेज शिफ्ट और हम फिर वहाँ पे किन चीज़ों को स्टडी करते हैं हम लैंग्वेज बोरोइंग को यानी जब हम लैंग्वेज बोरो करते हैं कुछ वर्ड्स बोरो करते हैं दूसरे लैंग्वेज से कोड स्विचिंग कोड स्विचिंग का मैं वैसे आगे बता दूंगा लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ कोड स्विचिंग के हवाले से जब हम एक कॉन्वर्सेशन में एक ही सिंगल कॉन्वर्सेशन में हम दो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं यानी मैं अभी बात कर रहा हूँ और बात करते करते आई जस्ट स्विच द इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश तो ये है कोर्स स्विचिंग की मैं उर्दू से डायरेक्टली इंग्लिश पे चला गया इन अ सिंगल कॉन्वर्सेशन एंड लैंग्वेज शिफ्ट लैंग्वेज शिफ्ट भी इसी तरह का एक कंसेप्ट है जो कि मैं आगे समझा दूंगा फॉर इंस्टेंसिस इन बाई लैंगवेज कम्यूनिटीज़ अब बाई लैंगव कम्यूनिटीज़ में इंडिविजुल्स माइंड स्विच बिटवीन लैंगवेज़ विद इन अ कॉन्वर्सेशन और जहाँ पर बाई लैंगज कम्यूनिटीज़ होती हैं बाई लैंगवेज का मतलब दो लैंगवेज़ यानी जब एक स्पीकर दो लैंग्वेज़ को समझ सकता हो और बोल सकता हो मल्टी लैंगज़म का मतलब है दो या दो से ज़्यादा बट बाई लैंगवेजिज़म का मतलब या फिर बाई लैंगज कम्यूनिटीज़ यानी जहाँ पर दो जुबानें बोली जाती हों तो उन कम्यूनिटीज़ में इंडिविजुअल्स जो होते हैं जो लोग होते हैं वो अक्सर अवकात एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं विद इन अ सिंगल कॉन्वर्सेशन एंड सोशल लैंग्वेज सीख टू अंडरस्टैंड सोशल एंड प्रेगमेटिक रीजन बिहाइंड द सच स्विचज़ यानी एक इंडिविजुअल जो है वो क्यों एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट कर गया इसकी प्रेगमेटिक रीज़न क्या है इसकी सोशल रीज़न क्या आती इन रीज़न्स को फाइंड आउट करना सोशल लंग्विस्टिक्स में आता है दिन है हमारे पास लैंग्वेज चेंज Language is not static. It evolves over time, and social linguists investigate the factors behind language change. अब मैंने पहले लेक्चर में एक बात बताई थी कि एक फंडामेंटल uh, प्रिंसिपल है सोशल लिंग्विस्टिक का कि लैंग्वेज जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है सो लैंग्वेज स्टैटिक नहीं है ये हर टाइम चेंज होती है और सोशल लिंग्विस्ट क्या करते हैं वो उन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि लैंग्वेज में चेंज लेके आती है दे एनाल हाउ इनोवेश दे एनाल हाउ इन्वेश इन लैंग्वेज स्प्रेड थ्रू कम्यूनिटीज़ एन ओवर टाइम अब वो किस क्या करते हैं कि लैंग्वेज में जो इनोवेशनस हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं और वह इनोवेशनस वध के साथ साथ कैसे डिफरेंट कम्यूनिटीज़ में फैलती जाती हैं दे माइट्रेक द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ड्स अब लैंग्वेज चेंज में हम न्यू वर्ड्स को देखते हैं शिफ्ट इन प्रोनाशिएशन को देखते हैं और चेंज इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को अच्छा स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि लैंग्वेज वेरिएशन और फिर लैंग्वेज चेंज यहाँ पर फिर डिफरेंस किया जाता है स्टूडेंट्स लैंग्वेज चेंज जो है ये ओवरऑल अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज आता है लैंग्वेज वेरिएशन क्या है कि वो कुछ स्पेसिफ़िक रीजन स्पेसिफ़िक कम्युनिटीज़ में जो चेंजेस आती हैं उन्हें हम लैंग्वेज वेरिएशन कहते हैं यानी यहाँ पर इस्लामाबाद में लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में जो चेंज आ रही है साथ ही साथ में पिंडी में या फिर किसी और लाहौर में जो चेंजेस आ रही हैं लैंग्वेज में तो जो नज़दीक नज़दीक थोड़े से स्पेसिफिक एरियाज़ में जो हमारे पास लैंग्वेज में चेंज आती हैं तो उन्हें हम वेरिएशन में काउंट करते हैं बट ऑन द ब्रॉडर टर्म जनरल वे में जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज में लैंग्वेज में ओवरऑल चेंज आ गई तो देन हम उसको काउंट करते हैं लैंग्वेज चेंज में और लैंग्वेज चेंज वैसे ज़्यादा पीरियड में आता है ये मतलब इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं आता इसमें टाइम लगता है डबल नेगेटिव्स अच्छा लैंग्वेज चेंज जो इसके एक एग्जांपल है डबल नेगेटिव्स की कि पहले वाइल डबल नेगेटिव्स वर हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड इन इंग्लिश यानी पहले ज़माने में डबल नेगेटिव्स को एक्सेप्ट किया जाता था आई डोंट वांट नथ आई डोंट डू नथिंग तो ये डबल नेगेटिव है लेकिन आजकल डबल नेगेटिव ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाते, या फिर कहा जाता है कि वो अब चेंज हो चुके हैं अब हम लाइक डबल नेगेटिव यूज़ नहीं करते अगर आजकल कोई ये सेंटेंस बोले तो ऐसे कह आई डोंट वॉन्ट एनी नॉट नन तो वो डोंट वॉन्ट एनी कहेगा नन नहीं कहेगा इसी तरह लोन वर्ड्स फ्राम अर लैंग्वेजेस इसी तरह लैंग्वेज चेंज में जो एक हमने न्यू वर्ड्स की बात की कि हम बाकी लैंग्वेज से वर्ड्स भी बो करते हैं जैसे बैलट है रेस्टोरेंट है यह हमने फ्रेंच से लिए हैं स्पेनिश से हमने पियानो मॉस्कटो ये वर्ड्स हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में आए हैं ये हमारे पास स्पेनिश लैंग्वेज से आए हैं फॉर इंस्टेंस द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटिंग एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्लैग टर्म्स एंड एब्रविएशन और इसी तरह जो हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन और टेक्सटिंग करते हैं इससे भी हमारी लैंग्वेज़ में नए वर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि जो पूरी कम्युनिटी है वो ऑनलाइन टेक्सटिंग कर रही है ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रही है और वो कॉन्टीन्यूसली अपने आप से नए वर्ड्स बना के लाइक एक्सलैंग वर्ड्स वो टाइप करके बेचती है तो नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज एटीट्यूड्स एंड प्रेजुडेस सोशल लैंग्विस्ट स्टडी पीपल्स परसेप्शन इन एटीट्यूड्स टूवर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स सोशल लिंग्विस्टिक्स में हम इस बात को भी स्टडी करते हैं कि जो लोगों के परसप्शन और एटीट्यूड्स हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज़ और डायलैक्ट्स के बारे में डायलैक्ट्स uh, के हवाले से वो कैसे हैं यानी एक लैंग्वेज के स्पीकर दूसरे लैंग्वेज के स्पीकर के बारे में मतलब दूसरी लैंग्वेज के बारे में और दूसरी लैंग्वेज के डायलैक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं सो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज एटीट्यूड्स कैन रिवील बाइसिस स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजोडिस ये लैंग्वेज का जो एटीट्यूड है जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा पर्सन बाइसड है स्टीडियो uh, टाइप्स क्या हैं और प्रेजडिस क्या हैं प्रजुडिस का मतलब जो एक ही uh, मतलब कुछ लोगों की जो uh, बदगुमानी होती है दूसरे लैंग्वेज के हवाले से तो ये चीज़ें रिवील होती हैं लैंग्वेज के एटीट्यूड्स को डिस्कस करने से या पढ़ने से फॉर एग्ज़ाम्पल अ सर्टन एक्सेंट्स और डायलैक्ट्स में बी स्टिगमेटाइज लीडिंग टू लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन अब इसी तरह कुछ एक्सेंट्स और कुछ डायलेक्ट्स को स्टगमाटाइज uh, uh, किया जाता है स्टिगमाटाइज का मतलब कि उनको एक तरह से लो uh, क्वालिटी या फिर अन uh, डिसमेरिट uh, किया जाता है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये अच्छी लैंग्वेजेस नहीं है या फिर उनको अच्छी लैंग्वेजेस नहीं समझा जाता तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन होती है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि कुछ लैंग्वेजेस को सुपीरियरिटी मिल जाती है और कुछ लैंग्वेजेस को इन्फीरियर समझने लग जाता है एटीट्यूड क्या है कि मैनी अमेरिकन होल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश एस ए व्यूइंग इट एज अ मार्क ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म अब ये एक एटीट्यूड है लोगों का जो ज़्यादातर अमेरिकन है वो क्या करते हैं कि वो स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश को उ, मतलब स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश के हवाले से वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं वो ये समझते हैं कि ये मार्क ऑफ एजुकेशन है और प्रोफेशनलिज़्म है यानी जो बंदा स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश बोलता है ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन अब प्रेजुडिस क्या है स्पीकर ऑफ नॉन स्टैंडर्ड डायलैक्ट्स और एक्सेंट्स अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर लैंग्वेज ए ए वी ई और साउथर्न अमेरिकन इंग्लिश में फेस डिस्क्रिमिनेशन और स्टेरियो बेस्ड ऑन देयर स्पीच इसी तरह मैंने बताया कि कुछ लैंग्वेजेस कुछ डायलेक्ट्स को ज़्यादा वर्थ मतलब वर्थफुल नहीं समझा जाता तो इसी तरह जो स्पीकर हैं नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स के या फिर अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जो है या फिर साउथर्न अमेरिकन इंग्लिश इनको आ, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस करती हैं क्युं? क्यों क्योंकि इनकी जो वे ऑफ स्पीच है जो इनकी स्पीच का स्टाइल है उसकी बेसिस पे

कोड स्विचिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिसनेटिंग बिटवीन टू और मोर लैंगवेज़ और डायलैक्ट्स विद इन अ सिंगल कॉन्वर्सेशन सिंपल सी बात कि एक सिंगल कॉन्वर्सेशन में जब एक स्पीकर एक इंडिविजुअल दो लैंग्वेज को अल्टरनेटिवली यूज़ करता है तो उसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑल्टरनेटिंग बिटवीन टू और मोर लैंगवेज़ेज़ज़ज़ज़ यानी दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज़ को अल्टरनेट करना या मतलब चेंज करते रहना एक सिंगल कॉन्वर्सेशन में इसे कहते हैं कोड स्विचिंग इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है uh, जैसे कि अगर मैं uh, एक एग्जांपल दूँ फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश यानी अगर एक बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है एंड देन इन द सेम कॉन्वर्सेशन वो स्पेनिश बोलना स्टार्ट कर दे तो ये एक एग्जांपल होगी कोड स्विचिंग की जैसे कि आई रियली लव दैट मूवी पेरो नो प्योडो एन कॉन्ट्रार बोलीटोस ये स्टार्ट का जो पार्ट है इसने इंग्लिश में बोला बट नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज स्पेनिश आई रियली लव दैट मूवी पेरो नो प्योडो एन कॉन्ट्रार बोली इसका मतलब क्या है कि आई रियली लव दैट मूवी बट आई कॉन्ट फाइंड टिकट्स तो ये क्या है ये कोड स्विचिंग की एग्जाम्पल है पहले इंग्लिश में बात करते हुए वो स्पेनिश पर स्विच हो गया तो उसे हम कोड स्विचिंग की एग्जाम्पल कहेंगे सोशल लिंग्विस्ट एनालाइज कोड स्विचिंग टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन सच एज मार्किंग आइडेंटिटी और सिग्नलिंग सोलिडेलिटी मतलब सोशल लिंग्विस्ट जो है वो स्विचिंग को एनालाइज़ करते हैं उसके फंक्शन को एनालाइज करते हैं कि ये आइडेंटिटी मार्क करने के लिए है सपोज़ अगर दो स्पीकर हैं इंग्लिश के और वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो मार्किंग आइडेंटिटी का क्या मतलब दो पर्सन इंग्लिश में बात कर रहे हैं कॉन्वर्जेसन में एंड उनमें से एक बंदा इंग्लिश में बात करते करते बीच में उर्दू भी बोलना स्टार्ट कर दें तो ये एक तरह से उस बंदे की आइडेंटिटी को मार्क करेगी कि ये पर्सन जो है लाइक ही इज़ पाकिस्तानी और मे बी इंडियन मतलब ये उर्दू स्पीकिंग पर्सन भी है तो इस तरह से उसकी आइडेंटिटी मार्क होगी बाई द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजिज़ फ्लुएंटली इज़ ऑल्सो अ फोकस विद रिसर्च एक्सप्लोरिंग हाउ इंडिविजुअल नेविगेट बिटवीन देयर लैंग्वेजेज़ इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्सट जैसे मैंने मल्टी लैंगवेजम का कंसेप्ट बताया बाई भी सेम ही कन्सेप्ट है कि ये एक स्पीकर की एबिलिटी होती है कि वो दो लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली बोल सके यानी जब एक बंदा दो लैंग्वेजेस को बोल सकता हो समझ सकता हो फ्लुएंटली तो इसे कहते हैं बाई और इसमें हम ये चीज़ भी देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो दो लैंग्वेज़ के बीच में कैसे अपने आप को मतलब मैनेज करता है कैसे वो नेविगेट करता है दो लैंग्वेज में और डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्ट में किस तरह वो नेविगेट करता है इसकी एग्जाम्पल क्या है अ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड उर्दू मतलब एक बंदा जो कि इंग्लिश भी बोल सकता है उर्दू भी सो ही इज़ अ बाई लैंग्वेल पर्सन और इस कंसेप्ट को हम कहेंगे बाई लैंग्वेलिज्म उर्दू एंड अरेबिक अगर ये दो लैंग्वेज कोई बंदा बोल रहा है सो ही इज ऑल्सो अ बाई लैंग्वेल एंड हिंदी एंड जर्मन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी लैंग्वेज इज क्लोजली टाईड टू इंडिविजअल एंड ग्रुप आइडेंटिटी लैंग्वेज जो है ये एक इन इंडिविजुअल और एक ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ क्लोजली अटैच है सोशो लिंग्विस्ट इन्वेस्टिगेट हाउ लैंग्वेज चॉइसिस एंड एक्सेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग वन सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोशल और कल्चरल ग्रुप सोशो लिंग्विस्ट क्या करते हैं वो देखते हैं कि एक लैंग्वेज के चॉइस और एक्सेंस किस तरह ये एक इंसान के सेल्फ़ और इसके बिलोंगिंग की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट uh, करती हैं मतलब कोई भी सोशल ग्रुप से किसी भी सोशल या फिर कल्चरल ग्रुप से कोई बंदा ताल्लुक़ रखता है तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक्सेंट्स हैं जो लैंग्वेज की चॉइसेस हैं किस तरह ये हेल्प करती है सादा अल्फाज में बता देता हूँ कि जो हम लैंग्वेज चूज़ करते हैं जो एक्सेंट्स हम चूज़ करते हैं किस तरह ये हमारी आइडेंटिटी को मार्क करती है किस तरह ये हमें लाइक शो करवाती है कि हम किस कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये चीज़ भी हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल में चूज़ टू स्पीक अ पर्टिकुलर डायलेक्ट टू असर पर्टिकुलर डायलेक्ट टू असर्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि कोई भी इंसान कोई भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर डायलेक्ट को बोलता है क्योंकि क्योंकि वो असर्ट करवाना चाहता है कि वो कौन से कल्चर uh, से बिलोंग करता है इसकी एग्जाम्पल क्या है लैंग्वेज वेरिएशन अब लैंग्वेज वेरिएशन की एग्जांपल देखते हैं अ पर्सन फ्रॉम अमेरिकन साउथ माइट यूज़ साउथ इंग्लिश फीचर्स सच एज़ यू ऑल फॉर यू ऑल एज अ वे टू एक्सप्रेस देयर साउथन आइडेंटिटी अब जो अमेरिकन साउथ या फिर साउथर्न अमेरिकन है साउथ अमेरिकन पर्सन उनकी एक लैंग्वेज की फीचर क्या है कि वो यू ऑल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं यू ऑल यू ऑल यानी यू ऑल के लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं यू ऑल तो एक पर्सन अगर ऑल पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि जो वो इसकी जो आइडेंटिटी है वो साउथन है यानी वो साउथ अमेरिकन पर्सन है और उसकी आइडेंटिटी को ये चीज़ मार कर रही है इसी तरह कोड स्विचिंग अ बाय लैंग स्पीकर आइदर फ्राम पाकिस्तान और इंडिया हेरीटेज माईट स्विच बिटवी इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज बाय लैंग्वेज का मतलब क्या जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक दो बंदे इंग्लिश स्पीकिंग हैं और वो बीच में कोड स्विच कर देता है सपोज़ वो इंग्लिश से हिंदी पर चला जाता है या फिर वो इंग्लिश से उर्दू पर चला जाता है तो ये चीज़ उसकी आइडेंटिटी को मार करती है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है कौन से कल्चर से वो बिलोंग करता है देन है हमारे पास सोसाइटल इम्प्लिकेशनज़ द लैंग्वेज दैट वी स्पीक इनफ्लुएंस आवर कल्चरल आइडेंटिटीज़ एंड आवर सोशल रियलिटीज़ मतलब जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज हम बोलते हैं इसका हमारे कल्चरल आइडेंटिटीज़ और जो हमारी सोशल रियलिटीज़ है इस पर इन्फ्लुंस होता है मतलब ये हमारे कल्चरल आइडेंटिटीज़ और सोशल रियलिटीज़ पर असरानंदाज़ होती हैं जो लैंग्वेज हम बोलते हैं इसका हमारे सोसाइटी पर और हमारे कल्चर पर अफेक्ट होता है असर होता है द रेमिफिकेशन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक आर प्रैक्टिकल एंड पॉलिसी और मैंने बताया कि ये लैंग्वेज के लंग्वेज के वेरिएशन और लैंग्वेज के यूज़ के कन्कुनस होते हैं तो इन सोशल uh, लिंग्विस्टिकस के जो रेमिफिकेशन है ये प्रैक्टिकल हैं और ये पॉलिसी और यानी ये पॉलिसी पर बेस करती हैं पॉलिसी पर मबनी है रिसर्च इन दिस फील्ड कैन इन्फॉर्म लैंग्वेज पॉलिसीज़ इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सिंपल सी बात कि जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है इसमें जो रिसर्च हम करते हैं यह हमें इन्फॉर्म करती हैं लैंग्वेज पॉलिसीज़ इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट यानी जब हमें लैंग्वेज का पता चलता है कि वो कैसे यूज़ होती है कैसे किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करनी है तो फिर ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जब हम फिर पॉलिसीज़ बनाते हैं एजुकेशन और गवर्नमेंट में अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स कैन हैव इम्प्लिकेशनस अब ये चीज़ समझना कि एक लैंग्वेज डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ होती है इसके कुछ इम्प्लीकेशन है इम्प्लीकेशन का मतलब इसके कुछ असरात होते हैं कि इसमें फ़ॉर एजुकेशन फ़ॉर पॉलिसी मेकिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग बिजनेस गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर अब स्टूडेंट जब आपको इस बात का इलम हो जाता है सोशल लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हुए कि ये जो लैंग्वेज है ये हर एक कॉन्टेक्स्ट में सेम तरह से यूज़ नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं आपके कुछ असरात होते हैं एजुकेशन पे पॉलिसी मेकिंग पे इनका क्या मतलब कि जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे हम पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंट होंगे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इन वेरियस सेक्टर्स इसी तरह बिज़नेस गवर्नमेंट हेल्थ केयर यहाँ पर जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे और हमारा जो लैंग्वेज की पॉलिसी बनाने का स्ट्रक्चर होगा वो फिर अफेक्ट uh, होगा इस पर असरात होते हैं इसके न ऑल्सो हेल्प बिजनस टेलर देर इट कैन ऑल्सो हेल्प बिजनेसिस टेलर देयर कम्युनिकेशन स्ट्रेटीज़ टू डाइवर्स ऑडियंस और इसी तरह ये बिजनेसिस को भी हेल्प करती हैं कि वो अपनी जो कम्यूनिकेशन है वो डाइवर्स ऑडियंस के साथ टेलर करें मतलब उसको बढ़ाएँ एडिशनली इट कैन शेड लाइट ऑन सोशल इशूज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज सच एज लैंग इनिक्वालिटी एंड द नीड फॉर इनकलूसिव लैंग्वेज प्रैक्टिसज़ और इसी तरह जो लैंग्वेज के हमारी सोसाइटी पर हमारे कल्चर पर जो इम्प्लिकेशन जो असरात होते हैं ये इस चीज़ में भी हमारी हेल्प करती है कि हम जो इश्यूज़ हैं लैंग्वेज के रिलेटेड हम उस पर ना गौर करें उस पर मतलब उस पर उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लें इश्यूज़ क्या हो सकते हैं जैसे लिंग्विस्टिक इनवलिटी है इसी तरह आ, जो नीड है हमारी इंक्लूसिव लैंग्वेज प्रैक्टिसज के लिए कि हम लैंग्वेज को ऐसे यूज़ करें कि वो इंक्लूसिव हो नॉट एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव लैंग्वेज का मतलब कि हम हर एक लैंग्वेज के साथ इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनीशन ना करें देन है हमारे पास लैंग्वेज एंड पावर इन सोशल लिंग्विस्टिक्स द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड पावर रेफर टू द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल पावर कंस्ट्रक्ट्स विद इन अ सोसाइटी सोशल लिंग्विस्टिक्स में जो लैंग्वेज एंड पावर का कंसेप्ट है वो किस चीज़ की तरफ रेफर करती हैं क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज और सोशल पावर कंस्ट्रक्चर्स विद इन अ सोसाइटी यानी एक सोसाइटी में जो हमारा सोशल पावर है और जो लैंग्वेज है इन दोनों बीच के बीच का जो रिलेशनशिप है इस कंसेप्ट को हम कहते हैं लैंग्वेज एंड पावर उसके बाद है सोशो लिंग्विस्ट एनालाइज हाउ लैंग्वेज कैन बी अ टूल ऑफ़ पावर इन सोशल कंट्रोल अच्छा सोशो लिंग्विस्ट क्या कहती है कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह से एक टूल है पावर के लिए मतलब सोशल सोशल कंट्रोल और पावर इन चीज़ों के लिए कैसे एक टूल की तरह लैंग्वेज साबित हो सकती है इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स में दे इन्वेस्टिगेट हाउस लिंग्विस्टिक चॉइसेस कैन री इन्फोर्स और चैलेंज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स एंड हायरकिज इंक्लूडिंग इन पॉलिटिक्स एजुकेशन एंड मीडिया सोशल लिंग्विस्ट क्या करते हैं कि वो ये बताते हैं कि जो हम लिंग्विस्टिक चॉइस करते हैं लिंग्विस्टिक चॉइसेस का मतलब जो हम लैंग्वेज में चॉइसेस करते हैं किस तरह वो री मतलब वो एम्पावर करती हैं या फिर चैलेंज करती हैं जो हमारे पास पावर स्ट्रक्चर हैं ऑलरेडी सोसाइटी में इसमें हमारे पास क्या पॉलिटिक्स एजुकेशन मीडिया ये बात मैं अगर आसानी से समझा दूँ स्टूडेंट कि सोशल लिंग्विस्ट जो होते हैं वो इस बात पे लाइक like एनालिसिस करते हैं कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो हम लैंग्वेज में चॉइसेस कर रहे हैं तो इस चॉइसेस की मदद से हम जो ऑलरेडी पावर स्ट्रक्चर्स मौजूद है सोसाइटी में हम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें पॉलिटिक्स में बाकी पॉलिटिशियंस को या फिर पॉलिटिक्स में जो पावर है उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं एजुकेशन इसी तरह मीडिया पे लोग पावर को एक्सरसाइज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यूज़ लैंग्वेज पॉलिसीज एंड पोलिटिकल पावर गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफन यूज़ लैंग्वेज पॉलिसीज एज अन्स ऑफ़ एक्जटिंग कंट्रोल एंड पावर अब ये बहुत ही ईजी uh, पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशन हैं ये अक्सर लैंग्वेज पॉलिसीज़ को यूज़ करती हैं पावर एग्जट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए लैंग्वेज एंड पोलिटिकल मूवमेंट्स लैंगवेज कैन बावरफुल टूल इन पोलिटिकल मूवमेंट्स एंड एक्टिविट्म अब uh, ज़्यादातर जो हमारे पोलिटिशन होते हैं वो जब पब्लिक uh, को कन्विंस करते हैं कि वो uh, मतलब उन उस स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करे सो वो वहाँ पे कोई अपेरेंटली uh, कोई मतलब प्रैक्टिकली कोई वर्क तो नहीं कर रहे होते वो बस अपनी तकरीरें सुनाते हैं वो स्पीचेस देते हैं और उन्हीं स्पीचेस की बुनियाद पे वो लोगों को कन्वेंस करते हैं तो वो स्पीचेस क्या है वो असल में लैंग्वेज है और लैंग्वेज के पूरा पावर है वो पूरी सोसाइटी में एज अ टूल ऑफ़ पावर यूज़ होता है इट कैन बी इट कैन बी यूज़ टू मोबलाइज़ यूनाइट एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर मैंने ये बात पहले भी बताई कि लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं कि हम एक एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को या तो यूनाइट करें या फिर उसको चैलेंज कर या फिर उसी को मोबलाइज कर दें देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी सोशल लिंग्विस्टिक रिसर्च इन फॉर्म लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसी डिसीजन अब जो हम सोशल लिंग्विस्टिक्स रिसर्च करते हैं तो ये हमें लैंग्वेज को कैसे प्लान करना है और कौन सी पॉलिसीज बनानी है लैंग्वेज के हवाले से इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक इंफॉर्म चॉइसेस अबाउट लैंग्वेज एजुकेशन अबाउट लैंग्वेज एजुकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस एंड लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन एफर्ट्स कि जो गवर्नमेंट्स है और जो इंस्टीट्यूशन है ये इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करती है चॉइसेस बनाती हैं कि हमारे पास लैंग्वेज एजुकेशन क्या होगी हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी होगी और लैंग्वेज की रिवाइटलाइजेशन के लिए जो एफ़र्ट्स करने हैं वो कैसे करने ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज़ मेनी कंट्रीज़ हैव ऑफिशियल ऑफिशियल पॉलिसीज़ दैट डिजिग्नेट वन और मोर लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इनकी ऑफिशियल पॉलिसीज हैं और इन्हीं ऑफिशियल पॉलिसीज़ की बुनियाद पे वो एक या दो लैंग्वेजेस को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन यूज़ करती हैं दीज पॉलिसीज़ ऑफन डिक्टेट द यूज़ ऑफ़ दीज लैंगवेज़ इन गवर्नमेंट एजुकेशन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन अब जो पॉलिसीज़ हम लैंग्वेज के हवाले से बनाते हैं ये पॉलिसीज़ अक्सर अवकात क्या करती हैं ये डिक्टेट करती हैं कि किसी भी जो अगर हम हमने किसी भी लैंग्वेज को एक ऑफिशल लैंग्वेज कह दी और हमने एक पॉलिसी बना दी कि सपोज़ उर्दू लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है तो ये इस पॉलीसी की बुनियाद पे हम उर्दू लैंग्वेज को गवर्नमेंट में भी यूज़ करेंगे एजुकेशन में भी यूज़ करेंगे और साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशंस पे भी यूज़ करेंगे लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड रिवाइटलाइजेशन लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन एम्स टू रिवाइव द इंडेंजर्ड और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस टू प्रीजर्व कल्चरल हेरिटेज और सोशल लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने के बाद जब हमें पता चलता है कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं या फिर कुछ माइनॉरिटीज़ लैंग्वेजेस हैं तो उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए फिर हम लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हम उन लैंग्वेज़ को रिवाइटलाइज़ करें हम दोबारा से उनको नरिश करें उनको अगर वो इंडेंजर्ड है लैंग्वेज की डेथ से हम उसको बचा सकें स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो इन नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे एक नए कंसेप्ट के साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें ख्याल रखिए अपना अल्लाह हाफिज़